बता दें कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी नोकिया ने MWC 2018 में अपने नोकिया 8810 4G बनाना फोन को अपने देश में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और ये नोकिया के बेहद पॉपुलर फोन नोकिया 8110 का अपग्रेडेड वर्जन है। वहीं अब कंपनी ने अपने लंबे इंतजार के बाद इस फोन को एशियाई बाजारों में उतार दिया है और इस फोन की बिक्री सिंगापुर में एक रिटेलर स्टोर पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, नोकिया ने इस फोन की कीमत 4900 रुपीस रखी है। भारत में स्मार्टफोन की बिक्री कब शुरू होगी, फिलहाल इसके बारे में नोकिया ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। नोकिया ने इसमें बेहतरीन 4G डाटा स्पीड मिलने का भी भरोसा दिलाया है। मोबाइल में FM रेडियो और MP3 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। नोकिया कंपनी ने 8110 फोन को साल 1998 में लॉन्च किया था और अब फरवरी 2018 में कंपनी ने इस फोन का नया वेरिएंट उपलब्ध कराया था। इसमें 2.4 इंच की डिस्प्ले दी गई है। फोन में 512 MB रैम के साथ 4GB की इंटरनल स्टोरेज भी मौजूद है। अगर कैमरे की बात करें तो इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा डाला गया है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।